जैन गाइस वेलकम बैक ऑन यू हंगर और बड़े दिनों बाद फिर से हम आ गए आपके सामने अनलॉक के साथ। होप सो आपका लॉकडाउन ठीक बीता होगा। कोरोना काल किसी के लिए ठीक ठाक सा रहा होगा, किसी के लिए बहुत बुरा रहा होगा। जो इस ड्यूरेशन में हमारे बीच नहीं रहे उन सभी के लिए हमारी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, और जो सर्वाइव कर गए वो निश्चिंत ना रहें क्योंकि अभी भी जंग बाकी है। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हमारा जो सिलसिला है आपको गोरखपुर एक्सप्लोर करने का, जगहों को दिखाने का, वो नहीं रुकना चाहिए। और हमारी इस फेहरिस्त में जो लंबी लिस्ट चली आ रही है जहाँ हम वीडियोज़ बना के आपको गोरखपुर शहर की तमाम जगहों के बारे में बताते थे, उसमें एक ऐसा माइलस्टोन था जो बाकी था हमारे लिए, और फाइनली हमने सोचा कि बड़े दिनों बाद अनलॉक पे वापस आ रहे हैं हम, उसी जगह को कवर करने के साथ शुरुआत करते हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूँ मेडिकल कॉलेज से गुलहरिया के आगे जो रोड जाती है महाराजगंज की तरफ उस रोड पे, और मेरे पीछे जो जगह है होप सो आप सभी उस जगह को जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं, इस समय मैं खड़ा हूँ मुहाने पे द रेडिएंट रिजॉर्ट के। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर आपको अगल बगल पार्किंग दिखाई देगी, मेरे राइट साइड में आपको कार पार्किंग मिलेगी और लेफ्ट साइड में यहाँ पे बाइक पार्क कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रखा है और बहुत खूबसूरत ये जगह, दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत डेडली है। तो आइए आपको नज़दीक से करीब से अंदर चल के दिखाते हैं जगह है। ओके, तो कुछ भी शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, एक बार इस जगह की सराउंडिंग को देखिए जो मेरे अगल बगल है। इतनी ग्रीन स्पेस, इतनी ग्रीनरी मुझे नहीं लगता है गोरखपुर शहर में कोई भी और ऐसी जगह है जो कि हमें आपको प्रोवाइड करती है। मेन एंट्री का द्वार है मेरे पीछे, एंड एट द राइट साइड ऑफ इट देयर इज अ वेरी गुड लॉन, और लेफ्ट साइड में एक और लॉन है जहाँ से आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी फोटोजेनिक स्पेस है वो। अमन, ओके, सो द स्पेस अबाउट विच आई वाज टॉकिंग टू यू, वो जगह है ये लॉन। जैसे एक बार देखिए कि कैसी खूबसूरती है इस लॉन की, और किसी का कहते हैं ना कि अगर आप बाहर से झलक देख लें तो किसी जगह की वास्तविकता के बारे में अंदाजा लग जाता है, तो वो वास्तविकता देखिए इस जगह की। जस्ट वॉच दिस साइड ऑफ इट, ग्रीनरी अलॉन्ग विथ अ सीनिक स्पेस जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फोटोज मिलने वाली हैं अगर आप रेडिएंट रिजॉर्ट के अंदर आते हैं तो। और इतना हाई फाई फैंसी देखने के बाद आपको लगता होगा कि डेफिनेटली ये जगह बहुत महंगी होगी, बट ये एक मिसकंसेप्शन है जिसे मैं आज तोड़ूंगा। तो आइए अंदर चलते हैं और बताता हूँ कि कैसे ये एक मिसकंसेप्शन है। कमा So along with this, finally here we are inside the lobby of Radiant Resort, जहाँ से आपको अलग अलग जगहों के जाने के लिए रास्ते मिल जाएंगे। इससे पहले मैं किसी और जगह के बारे में आपको बताऊँ, मैं सबसे पहले ये पर्टिकुलर लॉबी दिखाना चाहूँगा आपको, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत खूबसूरत हो तो अक्सर आगाज़ के साथ साथ बाकी की चीज़ें भी खूबसूरत ही होती हैं। तो जस्ट हैव अ लुक हाउ दिस प्लेस इज पर्टिकुलरली द लॉबी। सो थ्रू द लॉबी जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रास्ता है रूम्स के लिए जाने के लिए, बट जिस बेसिक हॉल में मैं खड़ा हूँ, रूम्स के अलावा यहाँ पे आपको एक बैंक्वेट हॉल भी मिलता है, इसके बारे में किसी और वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे किसी दिन। और लॉबी से जो दूसरा रास्ता आपको मिलेगा वो रास्ता मिलेगा उस जगह के लिए जो हम आपको दिखाएंगे आज, और वो जगह है सेवन सेंट्रिक। ओके, सो जिस जगह पे हम खड़े हैं रेडिएंट रिजॉर्ट के अंदर, इस जगह का नाम है सेवन सेंट्रिक। सेवन सेंट्रिक डिजाइन टू एक्सक्यूड द ऑप्यूलेंस ऑफ ग्लास हाउस। ग्लास हाउस क्या है वो आप अंदर चल के देखेंगे, स्पेशलिटी इसकी। और एक लाइन जो थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की, वो था ये कि बेस्ट मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट इन गोरखपुर। खैर ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये आप इस वीडियो को देखिएगा, खुद आके इस जगह को परखिएगा और आप बताइएगा कि ये कैसा है। फिलहाल एक आपको ट्रिप तो कराई देते हैं जगह की। सो अलॉन्ग विथ मी यू पीपल आर मोस्ट वेलकम इन साइड द सेवन सेंट्रिक द रेस्टोरेंट ऑफ द रेडिएंट रिजॉर्ट।
ओके सो फाइनली वी आर इनसाइड सेवन सेंटर. पहले मैं एक आपने शॉर्ट्स देखे होंगे इस जगह की अच्छी अच्छी चीज़ें. मैं एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूँ तो पहले सबसे जो यूनिक चीज़ मुझे इस जगह पे दिखाई दी वो थी इसका रूफ, क्योंकि इसको एक ग्लास हाउस का शेप देता है. पर्टिकुलरली ग्लास टॉप है यहाँ पे. और इफ़ यू विल सी द इंटीरियर ना, एज पर दैट आई विल टेल यू दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इंटीरियर वाइज टिल येट. Because how its food, that will tell you later. But interior wise, it's one of the best restaurants of Gorakhpur. That I could proclaim to you. पीछे आपको लाइव किचन मिल जाएगा, जो कि जनरली जो भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं गोरखपुर के वहाँ पे इस समय ये नॉर्मल चीज़ है. आप मेरे राइट साइड बैकवर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको बार काउंटर मिल जाएगा. आपको यहाँ पे अल्कोहल सर्व होती है. बेसिकली आपको यहाँ पे मॉकटेल्स के ऑप्शंस कम मिलेंगे, कॉकटेल्स के ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे. उसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत सा इंटीरियर. और दो चीज़ें मैं मार्कआउट करना चाहूँगा कि एक तो इसका छत जो कि आपने देख लिया, दूसरी जस्ट लुक एट द कारपेट दे आर यूजिंग. आई लव दैट, आई लिटरली लव इट, बिकॉज इतना अच्छा सा स्पॉन्जी सा फील दे रहा है ना ये, कि लग ही नहीं रहा ऐसे ज़मीन पर चल रहे हैं, लग रहा है कहीं रोही के फाहे पे खुद के कदमों को चला रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें देखने को. और एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप यहाँ पे दूसरे तरह के एटमोसफियर, एक कहते हैं ना कि ग्रीनरी का इम्पैक्ट चाहिए होता है इंसान को, उसके लिए देखिए बड़े बड़े ग्लास विंडोज लगे हैं जो कि बाहर लॉन में खुल रहे हैं, उस लॉन में जो आप जिसको हमने आपको पहले दिखाया है. कुल मिला के खूबसूरती के मामले में तो आप भी देख रहे हैं और मैं भी बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही अच्छी जगह है. अब उस चीज़ पे आएंगे बेसिकली जिसके लिए हम हैं यहाँ, वो है यहाँ का खाना. Come on, let's try it out. Okay, so guys, finally we are beginning the best part that we feel कि हमारे लिए सबसे अच्छा होता है, because इसमें बहुत सारी लजीज चीज़ें खाने को मिलती हैं. And finally, Seven Centric Radiant Resort के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हम आज खा के दिखाएंगे. तो एक तरफ से मैं शुरुआत करूँ, पहले तो ये फॉर्मफ्लेट फिश, इसके बाद दिखने में काफ़ी फैंसी सा, ये मैं बता दूं आपको, और प्रेजेंटेशन इज़ आल्सो टू गुड. उसके बाद ये रहा आपका ड्रम्स ऑफ हेवन. आई गेस मोस्ट ऑफ अस लाइक दिस, एंड दिस इज अनदर सिग्नेचर डिश फ्रॉम रेडियंट व्हिच इज़ बंजारा चिकन. जिसके बाद आपको मिल जाएंगे ये स्ट्रॉबेरी स्लश, नाम मैं भूल रहा था. साथ में दो तरह के और मॉकटेल्स हैं अलग अलग कलर की, बेसिकली मॉकटेल्स ही हैं. एंड आफ्टर दैट That we have here dim sums. Dim sums बोलते हैं, मोमो बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, वो चीज़ हमारे सामने है. आपको बेहतर तरीके से पता है हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसे सबको चखेंगे और इन सबको चखने के बाद आपको बताएंगे कि हमें ये सारी चीज़ों का टेस्ट कैसा लगा. और सिर्फ इसके नहीं, इसके बाद स्टार्टर्स के बाद एक मेन कोर्स का आइटम भी डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि वो चीज़ जो है वो मेरी फेवरेट है यहाँ पर. ओके सो अभी हम करेंगे क्या कि इन सारी चीज़ों को एक एक करके टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पर्टिकुलरली कैसे लगी. और उस रिकमेंडेशन पे अगर आप चाहें तो, या डेफिनेटली मुझे लगता है अगर आप गोरखपुर या आसपास कहीं हैं तो रेडियंट एक बार आना तो ज़रूर चाहिए आपको, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो है ये शायद कहीं नहीं गोरखपुर में मिलता. स्टार्टिंग विद दिस फॉर्मफ्लेट फिश. अच्छा, हमारे वहाँ कहते हैं ना कि पहले मछली से शुरुआत करना काफ़ी शुभ माना जाता है, तो हमारी शुरुआत भी ऐसी ही होगी. ओके तो दिस इज रोस्टेड काइंड ऑफ ऑमलेट फिश. इफ यू आर समवन हु लव्स पैसिव टेस्ट ऑफ फिश, पैसिव टेस्टिंग फिश, देन यू विल डेफिनेटली लाइक इट. और दूसरी चीज़ ये कि ये फॉम्फलेट ट्राई करने का थोड़ा अपना क्रेज भी होता है, क्योंकि ऐसे साबुत खड़ी फिश इकट्ठा मिले ना तो मज़ा आता है खाने में, देखने में. मैं कहता हूँ ना नज़र से चखते हैं, तो नज़र से चखने में तो मज़ा ही आ जाएगा भाई. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू दिस बंजारा चिकन. सो These are chicken pieces, roasted chicken pieces along with lots of cheese and creamy things over it. So, अगर आप rich texture का खाना पसंद करते हो chicken, और starter में आपको कुछ rich texture का चाहिए, तो for that definitely you should try this banjara chicken, because अच्छा लगेगा. Now coming forward we'll taste this dim sums. Standard bucket था जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा, काफ़ी अच्छा सा.
जिसमें हमें 5 पीसेस डिमसम्स मिले जो व्हाट वी ऑर्डर्ड, एंड जिसके साथ हमें मिली 2 तरह की चटनियाँ, एक सोया सॉस मिला एंड एक शेजवान सॉस मिला। अगर मैं आपको फिलिंग टियर अप करके दिखाऊँ तो एक क्लोज लुक लेना चाहिए आपको इसके फिलिंग की तरफ, बिकॉज रिच है फिलिंग में, इट्स रिच एंड डेफिनेटली देर आर लॉट्स ऑफ वेजीज जो कि आप इसके अंदर देख पाओगे। बाकी टेस्ट कैसा ये तो मैं टेस्ट करने के बाद ही बता पाऊंगा। एंड वन थिंग इज प्रीटी श्योर दैट यू आर डेफिनेटली गोना लव दिस प्लेस फॉर देयर फूड अलॉन्ग विद द हॉस्पिटैलिटी। डिमसम्स नॉर्मल आप वेज मोमोज खाते हो और ये भी वेज डिमसम्स हैं, बट आप खा के कंपेयर करना, दिस लॉट्स ऑफ डिफरेंस। बहुत सॉफ्ट सा है, काफ़ी अच्छे से स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं अंदर के, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव इट। होता है ना, हम सोचते हैं अक्सर जो नॉनवेज खाते हैं कि जब भी कोई चीज़ खाएं तो नॉनवेज ही खाएं, एंड मोमोज की विवाद जब आती है तो नॉनवेज ही प्रेफर करते हैं, बट अगर आप ये वेज मोमोज भी खा रहे हो तो यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं कमी महसूस होगी, यार ये क्या ऑर्डर कर लिया। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू दिस मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, ये हमारे ड्रम्स ऑफ हेवन, या आप शायद चिकन लॉलीपॉप कहते होगे, काइंड ऑफ सेम थिंग। सो अगेन ऑसम क्रंची डीप फ्राइड चिकन विच इज टॉस्ड इन सम रियली गुड सॉस, और कुल मिला के ऐसा एक फ्लेवर ओवर के सामने आ रहा है हल्का मीठापन के साथ, कि फ्राइड चिकन या क्रंची चिकन अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा आपको स्टार्टर्स में। ओवरऑल जो स्टार्टर्स मैंने टेस्ट किया उसके हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड स्टार्टर ही नहीं मेन कोर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा, बल्कि मैं तो प्रेफर करता हूँ स्टार्टर से ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे सेवन सेंट्रिक में रेडिएंट रिजॉर्ट में, तो मेन कोर्स की डिशेस भी इनके अपने आप में ऑसम है, स्टार्टर तो लाजवाब है ही। साथ में हमें एक स्लश मिला था, पहले मैं दिखाऊँ कि इसका जो ये आइस माउंटेन था ये काफ़ी ऊँचा था, बट शूट करने के ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ गल गया है एंड सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं, बट ओवरऑल दिस इज ऑफ माई फेवरेट फ्लेवर इज स्ट्रॉबेरी, एंड इस अच्छे से स्टार्टर के साथ एक परफेक्ट कॉम्बो जो बनाता है ना वो है ये इनका स्ट्रॉबेरी स्लश। डेफिनेटली स्टार्टर्स तो बहुत पसंद है, इसके बाद हम मूव करेंगे मेन कोर्स की तरफ और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ है। ओके सो कमिंग फॉरवर्ड टू आर फेवरेट पार्ट, हियर इज आर फूड। तो जो पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो है ये चिकन काली मिर्च, जो कि मेरी पसंदीदा है पूरे गोरखपुर शहर। या एक्चुअली मैं ये बताऊं कि मैंने आज तक जो भी कहीं भी खाया है उसमें सबसे पसंदीदा डिश जो मेरी रही ये चिकन काली मिर्च फ्रॉम सेवन सेंट्रिक रेडियंट रिजॉर्ट की रही है। ऑलरेडी मैं कई बार, एक्चुअली मैंने कल रात को इसको ले जाके खाया है, मुझे पता है ये बहुत टेस्टी होती है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेस्ट इट ऑन एंड then I'll tell you that this time how the taste is. तो एक बार मैं ग्रेवी की थिकनेस दिखाना चाहूँगा फिर से करीब से, just have a look on its gravy. बहुत बहुत ज़्यादा सी थिक सी ग्रेवी, और स्वाद के मामले में क्या कहूँ, अभी तक के इतिहास जो गवा रहा है उसके हिसाब से तो बहुत ही शानदार रहा है। और साथ में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने मंगाया गार्लिक नान, अ बास्केट ऑफ गार्लिक नान। सो garlic naan is always favorite to eat with chicken, and we're going to have this. Isse uthane nahi aa raha mujhe, even I'm trying. So it's time to taste it out. Main bataun inka garlic naan bhi apne aap mein it got so much essence. Pehle to kafi soft naan milega, ye ek plus point mujhe laga. Breads mein generally hardness mil jati hai umuman jagahon pe, but kafi soft naan hai inka. And ये नान अलॉन्ग विद दिस चिकन काले मिर्च, दिस फूड दैट आई एम हैविंग राइट नाउ, ना ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू फाइंड हेवन इन फूड, दिस इज द फूड वेर यू विल फाइंड हेवन फॉर योरसेल्फ। इतना रिच, इतना क्रीमी, इतना अच्छा टेस्टिंग चिकन काले मिर्च मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, गोरखपुर शहर में दूसरा कहीं नहीं मिलने वाला आपको। बाहर पे भी कई जगहों पे, बड़े नामी गिरामी जगहों पे, दिल्ली में, लखनऊ में हमने ट्राई किया, बट ये टेस्ट, आई नेवर गॉट दिस टेस्ट। ट्रस्ट मी, हाईली रिकमेंडेड इफ यू आर द पर्सन जिनको चिकन की डिफरेंट तरीके की डिशेस पसंद है, कम टू रेडिएंट एंड जस्ट एक्सपीरियंस दिस थिंग।
ये अपने आप में नहीं, एक अनोखा अनुभव रहेगा स्वाद के साथ साथ, बिकॉज दिस इज रियली टू गुड. ओके सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम द रेस्टोरेंट दैट इज सेवन सेंट्रिक ऑफ रेडिएंट रिजॉर्ट. ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, स्पेशली पहली बार किसी ऐसे रेस्टोरेंट में खाने को मिला जिसको ग्लास हाउस आप बेसिकली कह सकते हैं, बिकॉज आप नीचे बैठे और आपको हर चीज़ का रिफ्लेक्शन आपके सिर के ऊपर दिखाई देगा. तो एम्बियंस वाइज, एक्सपीरियंस वाइज एंड फूड वाइज हर तरीके से मैं कहूँ ना तो बहुत बेहतरीन सा एक पैकेज था ये. ओवरऑल मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये जो भी चीज़ें आप देख रहे थे, जितनी भी चीज़ें हमने खाई हैं, इन सब का प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 500 के आसपास है. 5,500 रुपये कम या 5,500 रुपये ज़्यादा. तो ये सारी पर्टिकुलर डिश आपको ऐसे ही मिली. इवन मेन कोर्स जो आपने देखा चिकन काली मिर्च, उसका प्राइस बस 449 है. और मैं बता रहा हूँ आपको, आप खा के देखिएगा, टोटली वर्थ इट लगेगा इस एम्बियंस के साथ, इस एटमोसफियर के साथ और इस टेस्ट के साथ. सो दिस इज इट फ्रॉम सेवन सेंट्रिक ऑफ रेडिएंट रिजॉर्ट. होप सो यू विल कम हियर सून. और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा. अगर आप यहाँ पहले आ चुके हैं तो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप यहाँ पे आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या खाया, आपको कैसा लगा. और लॉकडाउन के बाद आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी, और शायद आप लोगों को भी खुशी होगी हम लोगों को देख के, क्योंकि लंबा वक्त गुजरा और टफ टाइम था हम सब के लिए. सो आगे अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @foodpremi.in. मेरे साथ है कैमरा के पीछे गोरखपुर फूड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ की होटल के रूम्स की वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.